तो चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल CGPSC अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। जस्ट अभी मैं नींद से उठा हूँ, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ा, उसमें कुछ बहुत बड़ी अपडेट्स वगैरह दी गई है। साथ साथ बता दूं, आज का दिन जो है बहुत खास भी होने वाला है। कुछ बड़े बड़े अपडेट्स आगे भी आपको दिन भर में देखने को मिलेंगे, तो उन पर बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन सुबह सुबह न्यूज़पेपर में जो बड़ा अपडेट आया है उस पर मैं बात कर लेता हूँ। दरअसल देखिएगा, साइड में पेपर कटिंग को ओपन करके मैंने रखा है और वहाँ पे हेडिंग क्या दिया गया है, 8 माह पहले निकाली गई थी वैकेंसी, अब 21 जुलाई तक नहीं होगी भर्ती परीक्षा, 16 लाख अभ्यर्थी परेशान। दरअसल यहाँ पे किन भर्तियों के परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है? जी हाँ, आपने सही समझा, छात्राओं से अधीक्षक 300 पद, जिसके लगभग 6 लाख छात्रों ने आवेदन वगैरह किए हैं, मोस्ट अवेटेड वैकेंसी भी है। इसके अलावा प्रयोगशाला तकनीशियन 2 अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, एक जगह देखिएगा 260 पदों पर भर्तियां निकली थी, दूसरे जगह 16 पदों पर भर्तियां निकली थी और इनकी लगभग 2.5 से 3 लाख छात्रों ने आवेदन वगैरह किए थे। इसके अलावा प्रयोगशाला परिचारक एवं वृद्ध भर्ती बहुत इंपॉर्टेंट भर्ती है, 880 पदों पर यहाँ पर भर्ती विज्ञापन निकला था, जिसके लगभग 7 लाख छात्रों ने आवेदन वगैरह किया है। इसके अलावा मत्स्य निरीक्षक एवं एपेक्स बैंक भर्ती, देखिएगा ये भी बहुत बड़ी तो नहीं लेकिन एक अच्छी खासी वैकेंसी, जिसके लिए भी लगभग 1 लाख छात्रों ने आवेदन वगैरह किया था। अब देखिए यहाँ पे कुछ भर्तियां ऐसी हैं जिनके लिए नोटिफिकेशन क्या लीजिए या फिर आवेदन वगैरह विधानसभा चुनाव के पहले निकले थे, जैसे कि छात्रों से अधीक्षक हो गया, फिर आपका प्रयोगशाला तकनीशियन हो गया, प्रयोगशाला परिचारक एवं भृत्य हो गया, एपेक्स बैंक भर्ती, हमने उस दौर में उस पर्टिकुलर भर्ती का नोटिफिकेशन वगैरह दिया था। लेकिन देखिएगा ये जो चुनावी माहौल चल रहा है, पहले विधानसभा फिर लोकसभा, इसके वजह से चीजें डिले हुई हैं। और वर्तमान की डेट में देखिएगा यहाँ पे जो एंट्रेंस एग्जाम वगैरह जून महीने से प्रारंभ होने हैं, जिसको खत्म होते होते, क्योंकि सेट को भी मैं उसी में ऐड कर रहा हूँ, इसको खत्म होते होते 21 जुलाई तक का डेट लग जाएगा। इस वजह से ये सभी जो भर्ती परीक्षाएं है ना, ये डिले हो गई है। और देखिएगा बताया गया है यहाँ पे कि अब भर्ती परीक्षा वगैरह 21 जुलाई के बाद होंगी, यानी कि भर्ती परीक्षाओं के डेट्स को जो है क्लियर कर दिया गया है। यानी कि जो भी छात्र भर्ती परीक्षाओं के लिए प्रिपरेशन करते थे, बार बार पूछ रहे थे इसका एग्जाम कब होगा, उसका एग्जाम कब होगा, एटलीस्ट इस चीज को स्पष्ट मान के चलिए 21 जुलाई से पहले आपकी किसी भी भर्ती परीक्षा को आप देख नहीं पाएंगे, उसके बाद ही होगा। और इस चीज को हम लोग बार बार आपको समझा भी रहे थे, उसके पीछे सारे कारण को देखिएगा जो न्यूज़पेपर ने गिनाया है उसको पहले ही आपको बता दिया गया था। अब देखिएगा कब से और कौन से डेट से आपके एग्जाम वगैरह हो सकते हैं, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आपके यहाँ पे जितने भी भर्ती परीक्षाओं के संबंध में उल्लेख किया है, चाहे वो छात्रों से अधीक्षक हो, प्रयोगशाला तकनीशियन हो, प्रयोगशाला परिचारक एवं भृत्य हो, मत्स्य निरीक्षक वगैरह हो, और जो यहाँ पे एपेक्स बैंक भर्ती जो रुकी हुई है, सभी के लिए देखिएगा आपका जुलाई महीने का जो सेकेंड वीक है ना, तब से या फिर अगस्त महीने के फर्स्ट वीक से एग्जाम वगैरह प्रारंभ हो जाएगा, तो उसको आधार बनाकर आप लोग जो है यहाँ पर प्रिपरेशन वगैरह कर सकते हैं। समझता हूँ छात्रों की बहुत बड़ी परेशानी है, लेकिन जो वर्तमान में प्रोसेस वगैरह चल रहा है इसके वजह से चीजें थोड़ी लेट लतीफी होती है, लेकिन कुल मिलाकर देखिएगा आगे चलकर ये चीज स्पष्ट है कि एग्जाम्स वगैरह बहुत जल्द प्रारंभ हो जाएंगे। इसके अलावा देखिए एक और बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट में कही गई है कि यहाँ पे CGPSC के द्वारा भी पिछले 9 महीने से मात्र एक जो है भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन वगैरह जारी किया गया था, यानी कि CGPSC राज्य सेवा परीक्षा 2023 का, उसके पश्चात कोई भी नवीन जो है भर्ती के लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन वगैरह जारी नहीं हुए। अब इस बात को देखिए, मैं तो चीख चीख के अलग अलग प्लेटफॉर्म में कहते ही रहता हूँ, आपने देखा होगा रिसेंटली जितने भी मीडिया पोर्टल के पास हमने गए थे वहां में बार बार यही कह रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे प्रदेश में क्या हो रहा है कि जितने भी पुराने एग्जाम्स वगैरह है ना, उसमें कोई ना कोई विवाद क्रिएट कर दिया गया था लास्ट टाइम जो गवर्नमेंट वगैरह थी, और वहां पे देखिएगा उसमें क्या हुआ कि 2 घड़े बनते थे और दोनों आपस में लड़ रहे हैं, और उस वजह से सबका फोकस वहीं पे है, नए भर्ती की तरफ किसी का फोकस ही नहीं है। तो जब फोकस रहेगा ही नहीं नई भर्ती की तरफ, तो निकालने का गरज भी किसको रहेगा, यही चीज हो रहा है। और देखिएगा आज न्यूज़पेपर में वही चीज दिया है, हालांकि वर्तमान के डेट में नई भर्ती नहीं जारी होने के पीछे मेजर रीजन क्या है, आचार संहिता में आप कोई नवीन भर्ती जारी नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि नवीन भर्ती की मांग करिए, ताकि आचार संहिता के पश्चात जब नॉर्मल दौर आएगा उस समय छात्रों की मांगों को देखते हुए, डिमांड्स को देखते हुए एटलीस्ट नवीन भर्तियां भी जारी हो, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो चीज हो गया उसको भूलते हुए आगे बढ़ना भी तो जरूरी है ना। चलिए देखते हैं, मैं तो अपने स्तर पर मांग रखते ही रहता हूँ, रखूंगा भी आगे, आप लोग से भी रिक्वेस्ट रहेगा कि मेरी मांगे वगैरह रखिए। बाकी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स वगैरह आए थे और आगे भी दिन भर में आते रहेंगे, मैं उसको आपको पल पल की खबरें वगैरह साझा करता रहूंगा, सबसे पहले साझा करता रहूंगा, तो जुड़े रहिएगा। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद,
इस वीडियो को लाइक करते हुए जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएगा और भर भर के शेयर भी करते हुए जाएगा ताकि अधिक से अधिक साथियों तक हमारा मैसेज और हमारी जानकारी पहुंच सके और उनका भी लाभ हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।